नेहा के किचन में आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं भुना कटहल की रेसिपी लेके आ गई हूँ। उसके लिए हमें चाहिए कटहल, तो यहाँ पे एक मैं छोटा साइज का कटहल लेके अच्छे से काट ली हूँ। इसमें बीज भी आ गया है, बीज वाला कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। उसके लिए कुछ यहाँ पे प्याज है, जो दो बड़े साइज का मैं प्याज ली हूँ, लहसुन है और एक टमाटर है। कुछ खड़े मसाले लेंगे, जैसे काली मिर्च यहाँ साबुत में ले ली, थोड़ा सा जावित्री है, जीरा लिए हैं, लौंग है, मोटी इलायची है, जो काली मोटी इलायची बोलते हैं ना वो दो मैं ली हूँ, छोटी इलायची यहाँ ले लिए हैं। हम मिक्सी के जार में इसको डाल के अच्छे से पीसेंगे। प्याज यहाँ ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा प्याज मैं बचाऊंगी तड़के के लिए। लहसुन भी इसी में डाल देंगे क्योंकि इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। और एक टमाटर ऐड करूंगी, टमाटर ऐड करने से बहुत अच्छा स्वाद आता है सब्जी में। दो से तीन स्पून यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। इसका पेस्ट बनके तैयार हो गया है। कढ़ाई में ऐड किए हैं सरसों का तेल, जो अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे अपना कटहल और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, जब भी आप बनाए फ्राई करके बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जो जब भी हम भुना चीज़ कुछ बनाते हैं तो कढ़ाई या भगोने में बनाते हैं पतीले में, तो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। ऐसे हमें कटहल की सब्जी आज बनानी है, तो दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई हो गया है, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे तीन से चार मैं सूखी लाल मिर्च ऐड की हूँ, जो प्याज बचाए थे उसका तड़का लगाया दिए। ऐसे तड़का वाली सब्जी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे 1.5 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और तेल में ऐड कर रही हूँ क्योंकि कलर बहुत अच्छा आएगा। उसी के साथ हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो बनाए थे प्याज लहसुन टमाटर का पेस्ट, वो यहाँ ऐड कर देंगे। गरम मसाला मैं ताजा ही पीस के ऐड की हूँ, तो गरम मसाला कोई ऐड अब मुझे नहीं करना है। यहाँ पे धनिया पाउडर मैं ऐड करूँगी 1.5 चम्मच, और मसाले के साथ खूब ज़्यादा इसको अच्छे से भून लेना है क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, अच्छे से इसको भून लेंगे। तेल देखिए कैसे सेपरेट हो गया है, मसाला भून गया है। अब यहाँ पे 1.5 चम्मच में बेसन ऐड कर रही हूँ, ये भुना हुआ बेसन नहीं है, कच्चा बेसन है। तो इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। सब्जी यहाँ कटहल डाल के उसके बाद मसाले के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इसको भून के बनाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करना है, ढक के धीमी आँच पे पकाएंगे। जितना ही भुनेगा आपकी सब्जी उतना ही टेस्टी बनेगा। अब भुना सब्जी का मतलब होता है कि जब नीचे से लगने लगता है तभी सब्जी में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी ऐड की हूँ। ढक के इसको और थोड़ी देर और पकाएंगे। ऑलमोस्ट की अपनी सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। कर लेते हैं प्लेटिंग। इस सब्जी को आप फुलके या राइस या दाल किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सब्जी बहुत बढ़िया बनके तैयार हुई थी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।